बाद भी जो सकारात्मक रुझान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जीएसडीपी में 16-17 में 2,62,000 की टोटल हमारा जीएसडीपी 2,62,363 करोड़ से बढ़ के 17-18 में वो जीएसडीपी 2,62 से बढ़ के 2,91,681 करोड़ अनुमानित है। वह 17-18 के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 22.16, औद्योगिक क्षेत्र का 41.01, सेवा क्षेत्र का 38.38, 36.83। वर्ष 17-18 में प्रति वर्ष व्यक्ति आय 92,035 रुपया संभावित है। जो विशेष प्रावधान रखे गए उनके मैं बिंदुवार जानकारी आपको दूंगा। किसान और कृषि क्षेत्र में प्रावधान, वर्ष 18-19 में कृषि क्षेत्र में 13,480 करोड़ का प्रावधान, जो विगत वर्ष से 29% अधिक है। कृषि विभाग का बजट यदि कहें तो 95% वृद्धि है, 4,452 करोड़। बोनस में 2,107 करोड़, ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु 184 करोड़, फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम 136 करोड़, रियायती विद्युत प्रदान हेतु कृषक ज्योति योजना 2,975 करोड़ का प्रावधान, सौर सुजला 631 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सामान्य और हरित क्रांति घटकों के लिए 365 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना 93 करोड़, गन्ना कृषकों के बोनस 40 करोड़, शाकंभरी योजना हेतु 40 करोड़, नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु 93 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास मिशन हेतु 130 करोड़, जसपुर श्रीगदान कोरबा कुरुद गरियाबंद महासमुंद 6 नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कृषि स्नातकों को पेशेवर कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु चलो गांव की ओर योजना का शुभारंभ किया गया। 20 पशु औषधालय के पशु चिकित्सालयों में उन्नयन, 25 नवीन औषधालयों की स्थापना, 10 नवीन पशु औषधालय भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान, मत्स्य पालन हेतु प्रदेश के तालाबों के वैज्ञानिक तरीके से दोहन मैपिंग, बैंकों को सविलियन हेतु 5 करोड़, प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटराइज करने हेतु 4 करोड़, सहकारी शक्कर कारखाने हेतु 75 करोड़, बजट में सिंचाई योजना हेतु 2,518 करोड़, वृहद सिंचाई योजना हेतु 940 करोड़ के अतिरिक्त हरप्पा भैंसाजार परियोजना हेतु 285 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 255 करोड़, सोंदूर जलाशय हेतु 90 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लघु सिंचाई योजना के हेतु 655 करोड़, मध्यम सिंचाई योजना के लिए 86 करोड़, रवि एवं ग्रीष्मकालीन फसलों हेतु जल सिंचाई विस्तार हेतु 100 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ISBIG योजना के जिसमें निर्माणाधीन 3 परियोजनाएं महानिधि परियोजना, आंदुला परियोजना और कोड़ार परियोजना एवं अन्य 6 नवीन परियोजना मटिया मोती सरोदा क्षीरपानी पेंडावन कुमारी खरखरा जलाशय शामिल किए हैं। इनके फील्ड चैनल का निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई नहर सुधार, भू जल उपयोग आदि कार्यक्रम हेतु 245 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गरीब कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा हेतु 2,770 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। चना वितरण हेतु 450 करोड़, नमक वितरण हेतु 100 करोड़ और रियायती दर पर 70 वितरण करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक और पत्रकारों के लिए 30,000 का अतिरिक्त बीमा कवर, 50+30 80,000 का ये बीमा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के 131 करोड़ तथा स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 315 करोड़ का प्रावधान, 2 सामुदायिक 10 प्राथमिक और 25 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान, 4 जिला अस्पताल बालोद गरियाबंद बलरामपुर सूरजपुर को IPHS मापदंड के अनुरूप उन्नयन हेतु 268 पदों के सृजन हेतु 9 करोड़, सारनगढ़ जिला रायगढ़ 100 बिस्तर सिविल अस्पताल, देवभोग में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल, राज्यों को 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन,
जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी संबंधी समस्त जांच निःशुल्क किया जाएगा, इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 1011 करोड़, संजीवनी 356 करोड़ तथा मितानिन कल्याण निधि हेतु 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मितानिन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के देय प्रोत्साहन राशि पर राज्य शासन द्वारा देय अतिरिक्त 50% की राशि में 25% की वृद्धि की गई है। कुल 75% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मितानिन को मिलेगा। 70,000 मितानिनों को वर्तमान मासिक आय में 400 से लेकर 1,000 तक वृद्धि होगी। मेघालय रायपुर में 100 अतिरिक्त स्टाफ नर्स के पद, मरीजों के रिकॉर्ड की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था हेतु माध्यम संधारण, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पैथोलॉजी ब्लड बैंक कंपोनेंट सेंटर, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को चिकित्सीय उपकरणों से सज्जित करने के लिए 68,62,00,000 एवं निर्माण कार्य हेतु 50,00,000। ऊर्जा संबंधित प्रावधान 15,00,000 BPL उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली हेतु 363 करोड़, सहज बिजली योजना घर घर योजना में सौभाग्य की योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन से वंचित सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन, विद्युत वितरण कंपनी से 4,50,000 और केडा से 44,151 घरों में विद्युतीकरण किया जाएगा। कुल 833 करोड़ लागत की योजना, राज्यांश 85 करोड़ का प्रावधान। श्रमिकों एवं निराश्रितों हेतु आम आदमी बीमा योजना एवं अटल खेतिहर बीमा योजना में बीमित सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें सामान्य परिस्थिति में जो पहले 30,000 रुपये मिलता था, अब उसको बढ़कर 2,00,000 का बीमा कवर। दुर्घटना और स्थायी अपंगता में जो सिर्फ 75,000 मिलता था, अब बढ़कर 4,00,000 का बीमा कवर मिलेगा। 10,00,000 परिवारों को 1 मई 2018 से बीमा कवर का लाभ मिलेगा। श्रमिक कल्याण के लिए संगठित श्रमिक सुरक्षा और कल्याण मंडल के बजट को पूर्व वर्ष में 19,25,00,000 से बढ़ाकर 29,25,00,000 किया गया। असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण हेतु 10 करोड़, ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला हवाल कल्याण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत कैशलेस उपचार हेतु नवीन योजना हेतु 10 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना तैयार कर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 11 में पाए जाने वाले अति वंचित अतिरिक्त 3,00,000, इसमें जो 16,00,000 होते थे उसमें बढ़कर 19,00,000 हो जाएंगे। अतिरिक्त 3,00,000 वृद्धजन तथा विधवा और प्रतीक्षाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 181 करोड़, सुखद सहारा में 104 करोड़, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 60 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 360 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में 46 करोड़ का प्रावधान है। हाथकरघा और बुनकरों हेतु हाथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 9,94,00,000 का प्रावधान किया गया है। सरगुजा में मिनी अर्बन हाट की स्थापना हेतु हाथकरघा क्षेत्र में व्यावसायिक डिजाइनर को सहयोग से बाजारोन्मुखी नए डिजाइन के विकास को प्रावधान। प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कृत बुनकरों को मासिक आर्थिक सहायता, नई योजना लागू की जाएगी। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार में दी जाने वाली सहायता में वृद्धि। पहले बच्चों को 6 रुपया के स्थान पर 8 रुपया, गर्भवती महिलाओं को 7 रुपया रोज के हिसाब से मिलता था, उसको 9,50 रुपये, किशोरी बालिकाओं को 5 रुपये के स्थान में 9,50 रुपये की दर से वृद्धि की जाएगी। इसके लिए 735 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4,000 से बढ़कर 5,000, आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय को 2,500 से बढ़कर 2,500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2,250 से बढ़कर 2,750, 1,00,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को इससे लाभ होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सेवा पूरी होने पर शासन द्वारा कार्यकर्ताओं को 50,000, सहायिकाओं को 25,000 एकमुश्त राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान, एकीकृत बाल विकास योजना में 525 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री अमृत योजना में 42,95,00,000, माता वेतन योजना 25 करोड़, ध्वनि सुरक्षा 30 करोड़,
मुख्यमंत्री कन्यादान 13 करोड़, सबल योजना 35 करोड़, बालिकाओं को स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने, जो प्रारंभिक स्वच्छता योजना कवरेज को बढ़ाते हुए पर्याप्त बालिकाओं की दर संख्या वाले सभी महाविद्यालय, सभी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के विस्तार के लिए 10 लाख बालिकाओं को लाभ मिलेगा। गुणवत्ता युक्त शालेय शिक्षा, स्कूल शिक्षा हेतु 12,472 करोड़ का प्रावधान, जो किसी विभाग में आम भी सबसे बड़ा प्रावधान है। 129 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन, 130 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन, 40 प्राथमिक शाला, 25 माध्यमिक शाला, 100 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण के लिए 34 करोड़, शालाओं में स्वच्छता सामग्री 10 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान 1,500 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 674 करोड़, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम 590 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय 110 करोड़, शिक्षा कर्मी वेतन 3,500 करोड़, एकीकृत अम्ब्रेला योजना 93 करोड़ 45 लाख, भवनों के अनुरक्षण 150 करोड़, शासकीय शालाओं में पेयजल 10 करोड़ 88 लाख। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति घटकों के अंतर्गत कुल 20,664 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 17-18 के लिए घोषित लघु अनुपज के समर्थन मूल्य पर बोनस, साल बीज पर 12 पर 1 रुपया, हरा पर 8 पे 3 रुपया, इमली पर 18 पे 7 रुपया, महुआ बीज की घोषित कीमत 20 रुपया में 2 रुपया, कुसमी लाख में 166 रुपया में 33 रुपया का बोनस, चिरौंजी गुडली में 93 में 12 रुपया का बोनस राशि का की राशि संग्रहण दर के साथ प्रदाय की जाएगी। 14 लाख परिवार जो संग्रह करता है उनको लाभ होगा। भवन विहीन 633 छात्रावास आश्रम भवनों के भवन निर्माण की बड़ी योजना हाथ में लिया गया है, जिसमें 77 भवन नाबार्ड पोषित योजनाओं से, 146 भवन डीएमएफ से और शेष 410 भवनों का निर्माण वाय सहायक योजनाओं से किया जाएगा। 130 करोड़ का इसमें प्रावधान किया जाएगा। इसमें सभी आश्रम छात्रावास को सुविधा युक्त भवन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का विस्तार कर प्रयास विद्यालय अंबिकापुर बस्तर दुर्ग में 9वीं तथा कांकेर में 11वीं कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। कोरबा जसपुर में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रयास विद्यालय में IIT और NIT में प्रवेशित बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में वार्षिक वृद्धि 1,100 से बढ़ा के 2,500 करने पर 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2,50,000 बच्चे को लाभ मिलेगा। 11वीं एवं 12वीं के आवासीय छात्रों को हमारे छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक भ्रमण, रायपुर बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग बालक, भानपुरी में जिला बस्तर में अनुसूचित जनजाति कन्या 100 सीट का क्रीड़ा परिसर स्थापित किया जाएगा। बगीचा सुकमा डोंडी लोहारा में 50 सीटर कन्या छात्रावास, बगीचा और बटौली में बालक छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। जगदलपुर में अमर शहीद गुंडाधुर स्मृति में एक स्मारक संग्रहालय 3 करोड़ का प्रावधान, विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन 266 करोड़, राज्य छात्रवृत्ति 175 करोड़, अनुच्छेद 2751 के अंतर्गत 162 करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं स्थानीय विकास 270 करोड़ का प्रावधान है। सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 35 करोड़ 50 लाख, कुल 106 करोड़ 50 लाख, ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के लिए 64 करोड़ का प्रावधान। युवाओं के लिए बजट में 3,894 करोड़, 7 नए ITI भवन निर्माण, 17 ITI पे अतिरिक्त पाठ्यक्रम, 30 ITI में मशीन उपकरण 12 करोड़, 18 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएं 14 करोड़, शासकीय पॉलिटेक्निक भाटापारा सुकमा में 50 सीटर कन्या छात्रावास, अधीक्षिका सह चौकीदार आवास निर्माण, शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में बालक छात्रावास, छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति 17,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप 60 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नयापुर को 25 करोड़, सीपेट एकेडमिक भवन 2 करोड़ 50 लाख, नवीन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना स्किल युवकों के रोजगार हेतु ऋण सहायता अनुदान, उच्च शिक्षा के अधिकतम विस्तार हेतु 30 नए महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं को आदर्श महाविद्यालय के रूप
महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 11 कॉलेजों को आधुनिकीकरण हेतु 2100 सरिया छनपुर बीरगांव खरोरा तथा शासकीय कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर हेतु नवीन भवन तथा 100 शासकीय महाविद्यालय में दिव्यांगों के लिए रैम के लिए 7 करोड़, 15 स्नातक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उल्लेख किया गया, 35 महाविद्यालय में स्नातक स्तर के तथा 35 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम, 45 शासकीय महाविद्यालय में सेटेलाइट आधारित क्लासरूम, बजट में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा 112 करोड़, महाविद्यालय पोषण अनुदान 40 करोड़, रविशंकर विश्वविद्यालय 31 करोड़, इंदिरा कला विश्वविद्यालय 18 करोड़, सरगुजा विश्वविद्यालय 7 करोड़, बस्तर विश्वविद्यालय 9 करोड़ का प्रावधान, खेल 60 मिनी स्टेडियम हेतु 30 करोड़, सरगुजा और खेल में खेल अकादमी, रायपुर में एथलेट्स अकादमी, पंचायत ग्रामीण विकास बजट 9,222 करोड़ का, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बड़ी योजना, 6,88,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, 4,38,000 परिवारों के आवास स्वीकृत, 2,37,000 आवास निर्मित, योजना हेतु 2,354 करोड़ का प्रावधान, ग्रामीण हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, 3,427 करोड़ की अतिरिक्त राशि का व्यवस्था, दिसंबर 2017 तक 10,587 ग्राम पंचायतें और 135 विकासखंड ओडीएफ, छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य निर्धारित, राष्ट्रीय समय सीमा के 1.5 वर्ष पूर्व करने का प्रावधान, 800 करोड़ का प्रावधान, 85 विकासखंडों में संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन का नए 28 विकासखंडों में विस्तार, 300 करोड़ का प्रावधान, महात्मा गांधी नरेगा योजना 1,419 करोड़ का प्रावधान, रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि, 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले रोजगार सहायकों को 4,650 स्थान पर 6,000 प्रति माह तथा 5 वर्ष से कम अवधि वाले रोजगार सहायकों को 5,000 प्रति माह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, 8,656 सहायकों को लाभान्वित, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1,460 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और ग्राम गौरव के 220 करोड़ का प्रावधान, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़कर 15,000, उपाध्यक्ष का 6,000 से 10,000, जिला पंचायत सदस्यों को 4 से 6 किया गया है, जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 4,500 से बढ़कर 6,000, उपाध्यक्ष का 2,500 से बढ़कर 4,000, जनपद सदस्यों का 1,200 से बढ़कर 1,500, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन हेतु 47 करोड़ और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना हेतु 360 करोड़, ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु 6,000 बसाड़ों को नलकूप हैंडपंप और पेयजल हेतु 200 करोड़, स्वच्छ पेयजल ग्रामीण बसाड़ों में 140 सौर पंप और पाइपलाइन के विस्तार से 12 करोड़, सेतु भारत भारतम योजना के अंतर्गत प्रदेश को शीघ्र ही समस्त राष्ट्रीय मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग मुक्त, 124 ब्लॉक मुख्यालय 7 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़े गए हैं, लोक निर्माण विभाग के बजट में 7,187 करोड़ का प्रावधान, भवन निर्माण हेतु 856 करोड़ का प्रावधान, नगरीय निकाय के संरचना हेतु 575 करोड़, पेयजल आपूर्ति बीरगांव धमतरी नगर निगम मुंगेली नगर पालिका 30 नगर पंचायतों को पाइपलाइन के लिए 45 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 234 करोड़, मिशन अमृत हेतु 9 बड़े शहरों हेतु 2,200 करोड़ का निवेश से समस्त आवासों में पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल, 3 लाख से अधिक नवीन कनेक्शन दिए जाएंगे, रायपुर बिलासपुर नया रायपुर को स्मार्ट सिटी के लिए 418 करोड़, नया रायपुर अधोसंरचना के लिए 421 करोड़, नौ नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना 30 करोड़, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के अंतर्गत 414 करोड़, कोटवार के मानदेय को 1.5 गुना, पटेल के मानदेय राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,019 करोड़, राजस्व नक्शे के जियो रिफ्रेशिंग से 74 करोड़, इसके साथ ही साथ नक्सल प्रभावित 8 जिलों के यादव संरचना विकास के लिए 230 करोड़ या
विशेष योजना केंद्र सरकार द्वारा हमारे अनुरोध पर स्वीकृत किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। सचिव लोगों के जो सामान्यता है छत्तीसगढ़ के करीब 80% आबादी के बीच कहीं ना कहीं सबसे जुड़े होते हैं, उनको फोकस किया है, क्या माना जाए कि मिशन 2018। देखिए, हर चुनाव के पहले बजट की स्थिति समानता होती है कि सबको संतुष्टि करने लायक बजट, और इस बजट का दूसरा बड़ा फोकस है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, आवास के लिए, वो चाहे ग्रामीण आवास है चाहे शहरी आवास है, इसके लिए बड़ा लक्ष्य लेके इस आवास के काम को पूरा किया है। बिजली हर घर तक पहुंचाने के लिए 6,80,000 लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम इस 30 महाविद्यालय पहली बार हुए, 134 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का अपग्रेडेशन पहली बार हुआ है। तो हमारा फोकस अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में बेहतर काम करने का, किसान के लिए सबसे बड़ा बजट हमने दिया है, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता क्रम में रखा है। उसके बाद जो सर्विस जो हमारी सरकार की व्यवस्था का अंग है, जो प्रशासन के हमारे नीचे स्तर के जवाबदार लोग हैं, उनके भी मानदेय में वृद्धि किया गया है, और ये निश्चित रूप से उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगा, और समाज का एक वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा में लगा है उनको इससे आत्मविश्वास प्राप्त होगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मैंने अपने बजट में ही कोट किया कि जो 3 साल में 268 करोड़ की योजना है वो 7 जिले के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट के रूप में आए हैं, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए जो स्टेट बजट और केंद्र बजट के बीच में एक बिंदु के रूप में काम करता है, वो बड़ा प्रावधान है। वहाँ के कनेक्टिविटी के लिए बड़ा काम हुआ है, वहाँ के उस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए बड़ा काम हुआ है, चाहे महाविद्यालय की स्थापना हो, स्कूल की स्थापना हो, उस क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया के लिए इस बजट के यदि फंड का टोटल एलोकेशन देखोगे तो पहली बार हुआ कि 34% बजट का डाइवर्शन ट्राइबल वेलफेयर के लिए। शिक्षा कर्मी के बारे में मैंने अपने बजट में बहुत स्पष्ट किया कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के अनुशंसा आने के बाद शिक्षा कर्मियों के जितने भी उन्होंने अपनी मांग की है उन सबका विचार सहानुभूति पूरा करके हम शीघ्र निर्णय लेंगे, इस बात को स्पष्ट रूप से बजट में रखा। प्रधानमंत्री जी ने अपने योजना लागू की है जिसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को आइडेंटिफाई करके उनके विकास विशेष योजना के लिए, उनको वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था हो उनके लिए, ये प्रधानमंत्री जी की विशेष योजना है जिसमें हमने 175 गाँवों को चिन्हांकित करके उसके समुचित विकास के लिए काम चल रहा है। इस साल भी हम 243 का लिस्ट भेज रहे हैं, वो भी नहीं 7 जिले का नाम हमने बताया है जो अनुसूचित जाति बाहुल्य जहाँ 50% से ज्यादा है। मैंने आपको बजट के पहले ही उसमें कहा कि 2 विषय रहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अकाल के बाद भी सकारात्मक रुझान आना एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, जितनी अकाल के बाद उसके बाद भी हमारा जो GSDP है 6.65, जो राष्ट्रीय रेट चला है 6.65, उससे हमारा GDP में ग्रोथ है,
और मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए जिन परिस्थितियों में भी जब आर्थिक मंदी का दौर चला इसके बाद भी हम अपने जीएसटी को सही दिशा में लाने में सफल हुए हैं और हमारा ग्रोथ भी पॉजिटिव दिशा में। आपके कम कर कमाइए कि कंपनी